जी अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ नहीं बोलूँगा क्योंकि मुर्गे और मुर्गियाँ जो है वो बारिश की वजह से आ चुकी हैं बरामदे में, और ये देसी मुर्गियाँ हैं और उनको आप देख सकते हैं कि वो अपने ऊपर पड़ने वाले पानी को जो है बड़ी ही ख़ास कारीगरी के साथ उतार रही हैं, क्योंकि खुराक भी उन्हें चाहिए, बाहर भी निकलना है, बारिश से पर भी गीले होते हैं। तो देसी मुर्गी जो है वो हमारे इलाके में खासी बड़ी तादाद में है, लोगों का ज़रिया रोज़गार भी है, और फिर जो है डाइट में भी इसका बड़ा रोल है, क्योंकि देसी अंडे मिलते हैं, फिर मुर्गियों का गोश्त है, फिर इन्हें बेच के बच्चे भी पढ़ाए जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ रंग के हैं, सफ़ेद भी हैं, गोल्डन भी हैं, लेकिन हैं ये देसी सारे, और ये जो है फसलों में पलते हैं, फसलों में खाद खुराक इनकी मिलती है, और ये यहाँ पे मौजूद हैं और ख़ासे ही खूबसूरत हैं। तो मैं भी जब इस्लामाबाद से आता हूँ तो इन देसी मुर्गों को देखता भी हूँ, और फिर कुछ यहाँ पे खाते हैं और कुछ साथ ले जाने की कोशिश